नमस्कार मित्रों, आपके सामने अभी सर्वे प्रोजेक्ट और केस स्टडी की जो डायरी है उस डायरी को मैं अच्छे से प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप चाहो तो उसको पहुँच करके बना सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हो। आपके लिए ये सुविधा हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सर्वे और प्रोजेक्ट केस स्टडी की फाइल कैसे तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाली खाना पूर्ति कर देनी है नॉर्मली, फिर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करवाने अपने जो इंटर्नशिप के जो वहाँ पर आपके टीचर होते हैं इंटर्नशिप विद्यालय के, हस्ताक्षर अध्यापक प्रभारी से। फिर आपके इसकी यहाँ पर आपको बनानी है आगे संकेतिका देने की जगह है जिसमें आप लिखोगे केस स्टडी से आशय व उद्देश्य। आपके टॉपिक वाइज ये हेडिंग्स होगी, व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक, बालक के घमंडी होने के कारण और प्रभाव, प्राप्त उत्तरों के आधार पर स्पष्टता और घमंड से बचने के लिए सुझाव, निष्कर्ष। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन, तो एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा केस स्टडी से क्या आशय है। नेक्स्ट फिर व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य हैं, बालक की मनोवृत्ति को जानना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, पॉज करके भी बना सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हो। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, एक ये हेडिंग्स है, इसके अंदर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर हूबहू लिख सकते हो। फिर ये दो टॉपिक आ जाएंगे कि बालक की रुचियों का विस्तार, बालक की संपूर्ण जानकारी और समाधान, बालक को उचित मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट चलिएगा, बालक को सामाजिक प्राणी बनाना आपके नेक्स्ट है यहाँ पर। फिर बालक का सर्वांगीण विकास है। मैं उम्मीद करता हूँ यह मेटर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक है जिसमें आपको उस जिस व्यक्ति पर आप जिस बालक पर आप केस स्टडी कर रहे हो उसका विवरण लिखना है, उसका स्थायी पता, स्रोत वगैरह सारी बातें लिखनी है। फिर बालक के घमंडी होने के कारण वे प्रभाव लिखेंगे जिसमें उसका कारण परिवार है, फिर माता पिता के व्यवहार का बालक पर प्रभाव है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर संयुक्त एकल परिवार है, परिवार में बालक की स्थिति है, ये भी बालक के अंदर घमंडी होने की प्रवृत्ति को जगा सकती है। शिक्षित या अशिक्षित परिवार हो सकता है, माता पिता एवं अन्य परिवारजनों के विद्यार्थी के संबंध में ये विचार हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमने बहुत ही अच्छे कंटेंट और वो भी आपको कम समय में यानी स्क्रीनशॉट लेने की छूट देकर तैयार कर रहे हैं। मित्रों, हम सहपाठियों का विद्यार्थियों के साथ संबंध में विचार, जो विद्यार्थी घमंडी प्रवृत्ति का है उसके संदर्भ में विचार, आपको वीडियो में बहुत ही अच्छी क्वालिटी नज़र आएगी। अगर थोड़ा प्रॉब्लम आए भी तो आप ऊपर से वीडियो की यूट्यूब पर क्वालिटी बढ़ा सकते हो। एक एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपनी डायरी को सुसज्जित तैयार कर लीजिएगा। फिर बालक की स्वयं की रुचि आप ही उसको घमंडी बना सकती है। बालक को भविष्य की कल्पना, जो बालक के भविष्य की कल्पना है वो भी उसको घमंडी बना सकती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्राप्त उत्तरों एवं तथ्यों के आधार पर निम्न कारण स्पष्ट हुए कि वो घमंडी क्यों है, तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर सकते हो, आपको छूट है। फिर उसको घमंड से बचने के लिए क्या सुझाव देंगे, तो यहाँ पर दो सुझाव नज़र आ रहे हैं। फिर नीचे मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लो, फिर नेक्स्ट है आपके लिए इस संपूर्ण केस स्टडी का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, देख सकेंगे आप स्क्रीन पर आपके सामने इस व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी के निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इस प्रकार ये आपके केस स्टडी यानी सर्वे प्रोजेक्ट केस स्टडी तीनों में से एक पर फाइल तैयार करनी होती है। ये एक व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी पर तैयार फाइल थी। तो दोस्तों, फाइल कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कम समय में भरसक प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस यूट्यूब चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।